ओके अब क्या करेंगे, विड्थ देना है। लेंथ हमने मार्क कर लिया इससे पैरेलल लाइन लेते हुए 60, अब विड्थ मार्क करेंगे है कि नहीं, तो इससे पैरेलल एक लाइन बना लेंगे ऐसी, उसका डिस्टेंस लिख लेंगे ऊपर में 40, कितना है 40। अब हाइट मार्क करनी है तो हाइट से पैरेलल लाइन ले लो यहां पर, हाइट से पैरेलल लाइन ले लो यहां पर, कितना दिया था 55, कितना दिया था 55। अब क्या करना है अपने को, हाइट लेंथ विड्थ हाइट मार्क हो गई। अब देखो यहां पर ये 20 20 20 दिया था, तो यही है वो 20 20 20 है ना, यही तो बनाया था हमने। यहां से भी एक पैरेलल एक लाइन ले लो, बराबर डिस्टेंस लेके 20 20 एरोस कंप्लीटली फिल होने चाहिए 20, ठीक है ये भी अपना बन गया। अभी देखो यहां पे 10 दिया है, 10 कैसे बनाएंगे, तो ये था अपना 10, यही है 10, इससे पैरेलल एक लाइन बनाओ यहां से बाहर, छोटी सी एक्सटेंशन लाइन, ये 10 से पैरेलल एक लाइन बाहर, ठीक है, और यहां पर लिख दो यहां पर 10 है ना। अब देखो ये कितना दिया है 25, ये कितना दिया है 25, ये छोटा वाला है ये बेस का है, देखो हमने 25 बनाया था यहाँ पे, ठीक है, तो इससे भी पैरेलल एक लाइन बना लो बाहर, डायग्राम हमेशा बेटा बाहर देना ओके। तो यहां से हम पैरेलल लाइन लेंगे इसकी 25 की, और ये भी हमारा हो गया 25 एम एम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो जितने भी डायमेंशन दिए थे आपने उसको मार्क कर लिया, और ये आपका डायग्राम यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर किसी का भी बेटा ये डायग्राम नहीं बन रहा है तो आप क्या करने का, इस वीडियो को पॉज करते करते डायग्राम बनाओ, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैंने एक लाइन बनाया, पॉज कर डाल मेरे साथ में लाइन बनाओ, ठीक है, क्या किया मैंने उसी तरीके से बनाते जाओ, स्केल लगाओ इस रोलर स्केल के साथ खेलो, स्केल लगाओ मैच करते 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 आपका डायग्राम बन जाएगा, और आपका इमेजिनेशन स्केल स्किल भी यूज करो कि देखो यार यहाँ पे ये लाइन है फ्रंट व्यू, ये मेरी लेंथ ही है, तो लेंथ तो मुझे यहीं पे बनानी है, तो इससे पैरेलल लाइन मुझे लेके जाना पड़ेगा, ये विड्थ है विड्थ मुझे यहीं पे बनानी है, हाइट है तो हाइट मुझे जेड वाई पे ही बनानी है ना। कुछ इस प्रकार से अपना दिमाग लगाओ, और ये पूरा आपके इमेजिनेशन के ऊपर है पूरा का पूरा, इसलिए आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ओके। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो हम इंटरेक्टिव क्लास में मिलते ही है, ये क्वेश्चन भी मैं फिर से रिपीट कर लूंगा वहां पे, ओके। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, चलिए मिलते हैं। अच्छा इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, सबसे पहले मैं अपने डायग्राम और दूसरे में अपन ने ये दिया है, ओके। सो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग हैप्पी लर्निंग।